का फिल्मांकन कर्नाटक राज्य के रामनगर क्षेत्र के चट्टानी इलाकों में 2.5 साल की अवधि तक चला था। बहुत फिल्मांकन महाराष्ट्र के उड़न पनवेल में हुआ। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के निर्देशानुसार कई हिंसक दृश्यों को हटाने के बाद फिल्म को 118 मिनट की लंबाई के साथ 15 अगस्त 1975 को रिलीज किया गया था। हालांकि 1990 में मूल 204 मिनट का मूल संस्करण भी होम मीडिया पर उपलब्ध हो गया था। रिलीज होने पर पहले तो शोले को समीक्षकों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं और कमजोर व्यावसायिक परिणाम मिले, लेकिन अनुकूल मौखिक प्रचार की सहायता से थोड़े दिन बाद यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता बनकर उभरी। फिल्म ने पूरे भारत में कई सिनेमाघरों में निरंतर प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ डाले और मुंबई के मिनर्वा थिएटर में तो यह 5 साल से अधिक समय तक प्रदर्शित हुई। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फिल्म शोले की योजना की शुरुआत तब हुई जब जंजीर फिल्म के रिलीज के लगभग 6 महीने बाद सलीम जावेद जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी से मिले और उन्हें इसकी 4 पंक्ति की कहानी सुनाई। सन 1973 से वे यह कहानी कई निर्माताओं को सुना चुके थे। दो निर्माता निर्देशकों मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा ने भी उनकी इस कहानी को सिरे से नकार दिया था। रमेश सिप्पी को उनकी अवधारणा अच्छी लगी, उन्होंने उन्हें आगे कार्य करने हेतु चुन लिया। यह फिल्म अकीरा कुरोसावा की सन 1954 की फिल्म सेवन समुराई पर आधारित है और डकैती वेस्टर्न फिल्म का एक परिभाषित उदाहरण भी है। फिल्म का चरित्र गब्बर सिंह को उसी नाम के एक वास्तविक डाकू पर बनाया गया था, जिसका 1950 के दशक में ग्वालियर के आसपास के गांवों में आतंक था। असली गब्बर सिंह जब किसी भी पुलिसकर्मी को पकड़ता था तो उसके कान और नाक काटकर उसे छोड़ देता था, ताकि उसे अन्य पुलिसकर्मियों के लिए चेतावनी के रूप में दर्शाया जा सके। यह चरित्र गंगा जमुना से भी प्रेरित था, जहां दिलीप कुमार का चरित्र गंगा एक डाकू था जो गब्बर के समान ही खड़ी बोली और अवधि के मिश्रण से बनी एक बोली बोलता था। शोले के निर्माताओं ने शुरुआत में गब्बर सिंह की भूमिका हेतु डैनी को चुना था, लेकिन वे इस किरदार हेतु तैयार नहीं हुए क्योंकि वह पहले ही फिरोज खान की सन 1975 की धर्मात्मा फिल्म पर काम करने के लिए हामी भर चुके थे, जिसका फिल्मांकन समय भी शोले के समान ही था। सिप्पी चाहते थे कि जय का किरदार शत्रुघ्न सिन्हा निभाएं, लेकिन कई अन्य बड़े सितारे इस फिल्म में काम कर रहे थे और इसलिए सिन्हा ने भी मना कर दिया। अमिताभ बच्चन उस समय इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे, उन्हें इस किरदार को पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ रहा था। सलीम जावेद ने हालांकि 1973 में ही शोले के लिए बच्चन के नाम की सिफारिश कर दी थी, क्योंकि जंजीर फिल्म में उनके अभिनय को देखकर ही सलीम जावेद आश्वस्त हो गए थे कि बच्चन इस फिल्म के लिए सही अभिनेता हैं। धर्मेंद्र को भी ठाकुर के किरदार में रुचि थी, लेकिन जब उन्हें सिप्पी ने बताया कि यदि वे ठाकुर बने तो संजीव कुमार को वीरू का किरदार दे दिया जाएगा और फिर हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी बनेगी। फिल्म के निर्माण के दौरान 4 मुख्य किरदारों के कारण इसके निर्माण में काफी समय लग गया। इसका फिल्मांकन शुरू होने से 4 महीने पूर्व ही अमिताभ ने जया से शादी कर ली। जया के मां बनने के कारण इस फिल्म के निर्माण में और देरी हुई और इस फिल्म के प्रदर्शन के दौरान ही अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्रेमालाप वाले दृश्यों के दौरान भी धर्मेंद्र पूरी मेहनत पर पानी फेर देते थे और इस कारण एक ही दृश्य के लिए कई बार मेहनत करनी पड़ रही थी। इस फिल्म के प्रदर्शित होने के कारण 5 वर्ष बाद इन दोनों ने भी शादी कर ली। शोले के अधिकतर हिस्सों को कर्नाटक के बेंगलोर नगर के पास स्थित एक छोटे से कस्बे रामनगर के चट्टानी इलाकों में फिल्माया गया था। फिल्म के सेटों तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं को बेंगलोर के राजमार्ग से रामनगर तक एक सड़क बनानी पड़ी थी। फिल्मांकन 3 अक्टूबर सन 1973 को शुरू हुआ, जिसमें बच्चन और भादुरी का एक दृश्य फिल्माया गया। फिल्म का निर्माण अपने समय के लिए भव्य था। अक्सर कलाकारों के लिए पार्टियों और भोजों का आयोजन होता रहता था और इस कारण इसका बजट तो बड़ा ही, साथ ही इसे पूरा करने में 2.5 साल लग गए। शोले स्टीरियोफोनिक साउंड ट्रैक रखने
और 70mm वाइड स्क्रीन प्रारूप का उपयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। हालांकि उस समय वास्तविक 70mm कैमरे महंगे थे, इसलिए फिल्म को पहले पारंपरिक 35mm फिल्म पर ही शूट किया गया और उससे बनी 4:3 तस्वीरों के बाद में 2:1 फ्रेम में परिवर्तित कर दिया गया। वास्तव में जो फिल्म इस समय फिल्माई गई थी उसका अंत बहुत अलग था। मूल कहानी में ठाकुर गब्बर को मार देता है और इसके अलावा भी कई ऐसे ही दृश्य थे जो मूल कहानी में अलग थे। गब्बर की मृत्यु का दृश्य और इसके साथ साथ गब्बर द्वारा इमाम के बेटे की हत्या और ठाकुर के परिवार के नरसंहार वाले सभी दृश्यों को भारतीय सेंसर बोर्ड ने हटा दिया था। सेंसर बोर्ड को इस बात की चिंता थी कि कहीं इस तरह के हिंसात्मक दृश्यों को देखने से लोगों पर बुरा प्रभाव न पड़ जाए और लोग कानून की परवाह ना कर अन्य लोगों से बदला लेने के लिए उन्हें इसी तरह मारने ना लगें। हालांकि सिप्पी ने इस दृश्य को फिल्म का हिस्सा बनाए रखने के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी, पर बाद में इस दृश्य को सेंसर बोर्ड के निर्देशानुसार फिर से शूट किया गया, जिसमें ठाकुर के गब्बर को मारने से कुछ ही समय पहले पुलिस आ जाती है। तो दोस्तों, इतने संघर्ष के बाद शोले रिलीज हो सकी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।